तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्सपीरियंस लेटर होता क्या है या रिलीविंग लेटर क्या होता है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस होता है। कई बार कंपनीज आपको रिलीविंग लेटर देती हैं, कई बार कंपनीज आपको एक्सपीरियंस लेटर देती हैं, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली होता क्या दोस्तों, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपने 6 मंथ काम किया, 1 ईयर काम किया, 2 ईयर्स काम किया, 3 ईयर्स काम किया, और इसके बाद आप कंपनी को रिजाइन करते हो। रिजाइन करने के बाद आपको मिलता है एक्सपीरियंस लेटर एंड रिलीविंग लेटर। अब देखो, एक्सपीरियंस लेटर बेसिकली होता क्या है कि उस एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसपे ये लिखा हुआ होता है, या एक सर्टिफिकेट की तरीके आप उसको मान लो, इसमें आपका नाम लिखा हुआ होता है कि ये बंदा यहाँ पे इस डेट से लेके इस डेट तक वर्किंग था और इसकी डेजिग्नेशन ये थी, और नीचे एक स्टैंप लगा होता है, वहाँ पे हेड के सिग्नेचर होते हैं। और सेम जो प्रोसेस होता है ना, वही रिलीविंग लेटर का भी होता है, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों में, और इसमें कन्फ्यूज होने वाली भी कोई बात नहीं है। कई बार कंपनीज आपको सिर्फ रिलीविंग लेटर देती हैं, कई बार कंपनीज आपको एक्सपीरियंस लेटर देती हैं, और कई बार हो सकता है कोई कंपनी जो होती है वो आपको एक्सपीरियंस एंड रिलीविंग दोनों देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं कि आपका जो रिलीविंग पेपर होता है ना, जो रिलीविंग डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आपको ऑन मेल दे देते हैं, और एक्सपीरियंस लेटर आपको ऑन मेल वो भी देते हैं, बट वो एक प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है, एक पीडीएफ के फॉर्मेट में होता है, जो कि आप प्रिंट कर सकते हो। एंड दोस्तों, जो रिलीविंग लेटर होता है ना, वो आपको मेल पे जो कंफर्मेशन मिल जाता है ना, जैसे किसी कंपनी में आपने रिजाइन डाला कि मुझे आपके साथ अभी काम नहीं करना है, मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो उसके बाद जो उस मेल पे रिप्लाई आता है ना, कि जब आप रिजाइन के लिए मेल डालो, उस पे रिप्लाई आता है कि आपकी, फॉर सपोज आपने रिजाइन डाला और आपकी लास्ट वर्किंग डे 20 तारीख है, तो मेल पे रिप्लाई देते हैं। तो 20 तारीख जो मेल पे आपके पास रिप्लाई आया, मीन्स वो आपका रिलीविंग लेटर हो गया, मीन्स आप 20 तारीख को रिलीव कर दिए जाओगे, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो, तो वो आपका रिलीविंग लेटर हो गया। एंड जब कंपनी आप छोड़ते हो, उसके बाद कंपनी आपको एक्सपीरियंस लेटर बना के कुछ टाइम में दे देती है। तो बेसिकली इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों में से कोई से भी, अगर डॉक्यूमेंट्स हैं या दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, तब आपको नेक्स्ट कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको इजीली जॉब मिल जाती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम अहमद, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।